आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में गिवन है अ वायर बेंड इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर एनक्लोज्ड इन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला इफ सेम वायर इज बेंड इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल देन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज। देखो पहले सपोज हमारे पास एक वायर थी तो उसे हमने मोड़ के स्क्वायर बना दिया एक। ओके, वायर को मोड़ के स्क्वायर बना दिया जिसका एरिया क्या गिवन है हमें 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब उसी वायर को हमने लिया, शेप चेंज कर दी, उसे हमने सर्कल में बदल दिया। ओके, तो इसका हमें क्या बात आना है, सर्कमफ्रेंस। ओके, तो देखो सिंपल सी बात है, कभी भी अगर हम एक शेप से दूसरी शेप में बदलेंगे, देखो वायर तो सेम है ना, ये वायर है जो पहले मैंने इसे स्क्वायर बना दिया, अब मुझे पसंद नहीं आई शेप तो मैंने इसे सर्कल बना दिया, तो ओवरऑल लेंथ ऑफ वायर सेम रहेगी। ओके, लेंथ ऑफ वायर क्या होगी स्क्वायर के केस में, ये साइड को ऐड करो, फिर ये साइड को ऐड करो, फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये सारी ऐड कर दूंगा तो मुझे लेंथ ऑफ वायर मिल जाएगी। तो देखो सम ऑफ ऑल द साइड्स क्या होता है, पेरीमीटर। ओके, और सर्कल के केस में उसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ओके, सर्कल के केस में, एक मिनट, सर्कल के केस में उसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं, मतलब पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस सेम ही होता है, बट सर्कल के केस में उसे सर्कमफ्रेंस बोल दिया जाता है और स्क्वायर वगैरह के केस में उसे पेरीमीटर बोलते हैं। ओके, तो देखो ये स्क्वायर है, इसका एरिया हमें गिवन है, तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके, वो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, इट इज़ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, साइड स्क्वायर। ओके, साइड का स्क्वायर कर दोगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा, वो क्या है 121। तो यहाँ से साइड की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो हो जाएगी रूट अंडर 121। ओके, 121 किसका रूट होता है, 11 का, तो साइड जो है उसकी 11 आ गई, मतलब ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11 होगा और ये भी 11 होगा। ओके, तो साइड की वैल्यू आ गई 11, तो टोटल वायर लेंथ कितनी हो गई, टोटल वायर लेंथ मतलब पैरीमीटर पूछ रहा है, तो 4 इंटू साइड होता है, तो देखो 4 इंटू 11 तो कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। तो इसका पैरीमीटर क्या है, 44 सेंटीमीटर, तो जो ये पैरीमीटर है वही इसका सर्कमफ्रेंस होगा, क्योंकि वायर तो सेम है ना, वायर तो सेम है दोनों में यूज, तो जो इसका पैरीमीटर हमने फाइंड आउट करा है वही इसका सर्कमफ्रेंस होगा। ओके, तो हमें पूछा था कि क्या है क्वेश्चन में, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, सर्कमफ्रेंस कितना होगा, सर्कमफ्रेंस होगा इक्वल्स टू पैरीमीटर। ओके, PERIMETER, ओके, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर के ही इक्वल होगा, क्योंकि ओवरऑल लेंथ ऑफ वायर तो सेम ही रहेगी ना, तो वो कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर हमारा आंसर। 44 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।